स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सैटरडे को जारी की गई एक ऑफिशियल रिलीज के मुताबिक डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है देश में बना स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इंडियन एयरफोर्स के एक एयरक्राफ्ट से। देश में डिजाइन और डेवलप किया गया ये 120 किलोग्राम क्लास का स्मार्ट वेपन इस्तेमाल किया जाता है रनवेज, बंकर्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स और अदर रीइंफोर्स स्ट्रक्चर्स को तबाह करने के लिए। ये कैप्टिव और रिलीज ट्रायल्स रडार और टेलीमेट्री ग्राउंड स्टेशन से ट्रैक किए गए इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। इस सारी टेस्ट फ्लाइट के दौरान सारे सिस्टम की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री थी और सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे कर लिए गए। ये लाइटवेट हाई प्रसिशन गाइडेड बॉम्ब वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम में से एक है। गवर्नमेंट ने 56.58 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2013 में सैंक्शन किया था। DRDO चेयरमैन डॉक्टर एस क्रिस्टोफर ने DRDO और एयरफोर्स की टीम्स को बधाई दी मिशन के सक्सेस के ऊपर। मई में DRDO ने इस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट किया था IAF के जगुआर डेरिन 2 एयरक्राफ्ट से बेंगलुरु कर्नाटका में। ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट और सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ने कैरी किए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।